तो धमतरी जिले की, जहां पर सियावा विधायक कार्यालय के सामने एक युवक ने नीम की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की। युवक की स्थिति बिगड़ती देख विधायक सहित स्थानीय लोग उसे इस नगरी स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां उसका इलाज चल रहा है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 1.5 साल से एक स्कूल में अनियमितता की शिकायत कर रहा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई न होने पर उसने 15 दिन पहले विधायक को आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दी थी। युवक का कहना है कि निजी स्कूल शासकीय जमीन पर कब्जा कर निर्मित किया गया है, वहां शासकीय पुस्तकालयों से न पढ़ाकर निजी किताबों से पढ़ाई कराई जा रही है, जिसके एवज में पालकों से मोटी रकम दी जाती है। विधायक का कहना है कि उन्हें 2 दिन पहले ही युवक का आवेदन मिला था। राजनंदगांव